मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार इजाफा जारी है। पिछले 10 दिन में 9 बार आज भी पेट्रोल डीजल के रेट ने महंगाई में तड़का मार दिया। देश के अधिकांश राज्य अब ऐसे हो गए हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है। इस बीच कभी 30 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल देने वाली सरकार बनाने का प्रलोभन देने वाले बाबा रामदेव अब इससे जुड़े सवाल पर न सिर्फ खिसिया जा रहे हैं बल्कि यह हिदायत भी देने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि उनसे ऐसे सवाल न पूछे जाएं। दरअसल हरियाणा के करनाल जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकार ने बाबा रामदेव से उनके उस टिप्पणी को लेकर सवाल किया था जो उन्होंने 2014 से पहले मोदी सरकार के समर्थन में दी थी। आइए पहले देखते हैं मोदी सरकार के समर्थन में दिया गया बाबा रामदेव का तब का बयान। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते, हमारे रजत जी को आपकी अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। अब करनाल में बाबा का अपने गुस्से पर नियंत्रण न कर पाना भी देखिए। हालांकि उनके तमाम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें लगाने से मन मस्तिष्क शांत रहता है। देखिए बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है क्यों? तू जो भी पूछा उसका उत्तर दो। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।